खबर गाजीपुर के जमाना से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने जमाना कोतवाली परिसर में प्रत्याशियों व लोगों के साथ किया संवाद। जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने जमाना कोतवाली परिसर में पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में जमाना ब्लॉक के सपरात लोगों व पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशियों को कड़ी हिदायत दिया कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दिया जाए, यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की निश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों कोरोना का प्रकोप काफी बढ़ गया है, जो पहले से भी घातक है, इसलिए मास्क व सामाजिक दूरी आदि का पालन करें। बिना परमिशन के कोई भी प्रत्याशी जनसभा नहीं करेगा। कहीं भी 5 से अधिक लोगों की भीड़ जमा नहीं होना चाहिए। डोर टू डोर फॉर्मेशन में भी 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होना चाहिए। बिना परमिशन के जुलूस, नुक्कड़ सभा या मीटिंग न हो, अन्यथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों पर बैनर पोस्टर नहीं लगेगा। दीवार पर चुनाव प्रचार सामग्री लिखना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। दावत, प्रलोभन, उपहार या शराब बांटे, संग्रह करने या बनाने की सूचना पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गुंडागर्दी, दबंगे या मतदाताओं को धमकाने की जानकारी मिलने पर संबंधित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाह या भ्रम फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्र के सम्राट लोगों ने मतदान स्थल पर धूप से बचने के लिए छाया का प्रबंध, पानी आदि से संबंधित सवाल किए, जिसका उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया और कहा कि आगामी 29 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव में निष्पक्ष व भयमुक्त होकर मतदान करें। गाजीपुर के जमाना से आजाद शाह की रिपोर्ट। सर, आज किस तरीके का ये मीटिंग था सर? ये जमानिया थाना अंतर्गत जितने संभावित प्रत्याशी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के थे, उनको जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है या चुनाव में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वोटर को प्रलोभित न करें, दावत का आयोजन न करें, शराब का वितरण न करें, किसी हर तरीके से शत प्रतिशत आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें, इस संदर्भ में आज यहाँ संभावित कैंडिडेट्स की बैठक की गई थी और उनसे वार्ता की गई तथा उनकी कठिनाइयों को भी जानने का प्रयास किया गया कि किसी गांव में, किसी क्षेत्र में कहीं पे कोई दबंगई, कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो लोगों ने इंटरेक्ट किया, लोगों से वार्ता हुई और जो कठिनाइयां उन लोगों ने बताई उसको हम लोगों ने नोट किया है, उस पर हम लोग आगे एक्शन लेंगे और अपनी जो कानूनी बातें थी और जो चुनाव आयोग के जो निर्देश थे, शासन के जो निर्देश थे, उससे उनको अवगत करा। सर, जो दबंग किस्म के जो गांव हैं सर, जो छोटे तबके को लोगों को दबाएंगे लोग, उन लोग के लिए क्या कार्रवाई? सबके लिए बता दिया, कोई भी दबंगई का प्रश्न नहीं उठता है। हम अब सूचना संकलित कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराएंगे। सर, बूथ कैप्चरिंग की जो बात, कोई बूथ कैप्चरिंग का प्रश्न ही नहीं, प्रश्न स्वप्न में भी नहीं देख सकता।